गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनीता सिंह फ्रॉम मोती चिल्ड्रन स्कूल। दिस इज़ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज। सी प्रॉपरली एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट। नेम इज गिफ्ट ऑफ गॉड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गिफ्ट ऑफ गॉड, so what is the meaning of gift of god? What is the meaning of gift of god? So gift of god, भगवान का वरदान या भगवान द्वारा या ईश्वर द्वारा दिया गया कोई उपहार। ओके, सो पेरेंट्स आर द नॉबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। पेरेंट्स आर द नॉबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। नॉबलेस्ट मीन्स होता है मूल्यवान। नॉबलेस्ट मीन्स, मैं अंडरलाइन करूँगी इसको, मूल्यवान। ओके, क्रिएशन मीन्स रचना, ठीक है, और गॉड मीन्स भगवान। तो जो हमारे माता पिता जो हैं वो ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे मूल्यवान रचना है। ही हैज़ ब्लेस्ड अस विथ हिज लव एंड आर पेरेंट्स। ईश्वर ने हमें ईश्वर के प्यार से और माता पिता के प्यार और अपने पेरेंट्स को दिया है, पेरेंट्स रूपी वरदान दिया है। दे आर द ओनली वन हु केयर फॉर अस। माता पिता ऐसे हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेरेंट्स आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड्स। हमारे जो माता पिता हैं वो ईश्वर का उपहार या वरदान है। दे नो वेन टू यूज एंड वेन टू स्पेयर द रॉड। दे मीन्स वे। हमारे माता पिता ये जानते हैं कि कब उन्हें हमें डांटना है और कब हमें प्यार से समझाना है। ओके, फॉर अस दे गिव अप देयर प्लेजर, ठीक है। फॉर अस दे गिव अप, गिव अप मीन्स होता है किसी चीज़ को छोड़ना या त्यागना, और प्लेजर मीन्स होता है खुशी, ठीक है। प्लेजर मीन्स खुशी, ठीक है। सो फॉर अस दे गिव अप देयर प्लेजर। हमारे माता पिता जो हैं हमारे लिए अपनी खुशी को भी त्याग देते हैं। अबाउट आवर वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स होता है यहाँ पर कल्याण, ठीक है, या खुशहाली, ठीक है। तो अबाउट आर वेलफेयर दे ऑलवेज वरी। माता पिता जो हैं वो हमारी खुशी के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। वरी मीन्स होता है चिंतित रहना, ठीक है। वरी मीन्स क्या होता है, चिंतित रहना, ठीक है। वरी मीन्स चिंतित रहना। तो हमारे माता पिता जो हैं वो हमारी खुशी के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दे नो नॉट द वर्ड लेजर, ठीक है। हमारे माता पिता, लेजर मीन्स होता है आराम या फुर्सत। हमारे माता पिता हमारे माता पिता जो हैं वो फुर्सत या आराम नहीं जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और इसके लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो उन्हें आराम करने का समय नहीं होता है, वो नहीं जानते हैं कि आराम क्या होता है। आवर पेरेंट्स नीड सो लिटिल फ्रॉम अस। हमारे पेरेंट्स जो हैं हमसे बहुत थोड़ा सा चाहते हैं, हमसे मीन्स बच्चों से। लिटिल मीन्स थोड़ा, लिटिल मीन्स थोड़ा। हमारे माता पिता की जो उम्मीद या जो अपेक्षाएं, जो आशाएं होती हैं हमसे बहुत थोड़ी सी होती हैं। बट दैट लिटिल दे नीड सो मच, बट ये जो थोड़ा सा है, किंतु ये जो थोड़ा सा है ये बहुत ज़्यादा होता है। माता पिताओं को अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। ओके, वी शुड ओबे देम। हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ओबे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा माननी चाहिए। एंड
थैंक हिम फॉर देयर सूदिंग टच, और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए उनके प्यार भरे स्पर्श के लिए। सूदिंग टच मीन्स होता है प्यार भरा स्पर्श, ठीक है। तो इस पूरी पोयम में आप क्या देख रहे हैं कि पूरी पोयम जो है, होल पोयम आर रिलेटेड टू आर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड है, जुड़ी है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं वो हमें यहाँ जानना चाहिए। और इससे एक चीज़ और निकल कर आती है कि वी शुड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ओके, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, इंग्लिश की आप एक कॉपी बनाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है, और उसमें इस सबको नोट डाउन करेंगे। इसमें ऊपर वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इन सभी को आप लिख लेंगे क्योंकि आपकी बुक्स में दिए गए हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स परचेस कर लें तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ओके। और जब जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, आप इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी वीडियो मैं बनाऊँगी उन सभी में आप वीडियो को ओपन करने से पहले अपनी बुक को ओपन करेंगे, ओके। सो नाउ कम टू द पॉइंट एक्सरसाइज, और नाउ इट्स अ वर्किंग टाइम। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सॉरी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, में जो भी ऑप्शन सही है उसको आप टिक करेंगे। तो फर्स्ट इज ब्लैंक आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि पेरेंट्स आर द गिफ्ट ऑफ गॉड्स, सो हमारे जो पेरेंट्स हैं उसको आप टिक कर लेंगे थर्ड नंबर को, कि पेरेंट्स जो हैं वो ईश्वर का गिफ्ट हैं। नेक्स्ट इज आर द ओनली आर हु केयर फॉर अस, अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो पेरेंट्स हैं वो अकेले ऐसे हैं जो हमारी चिंता करते हैं, ओके, हमारी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर अस दे गिव अस देयर, मैंने आपको पढ़ाया कि पेरेंट्स हमारे लिए अपना प्लेजर, खुशी को त्याग देते हैं, सो यहाँ पर टिक करेंगे प्लेजर को। अबाउट आर वेलफेयर दे ऑलवेज वरी, हमारे खुशहाली के लिए हमेशा हमारे पेरेंट्स वरी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। वी शुड ओबे देम, हमेशा हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, दे नो नॉट द वर्ड लेज़र, हाँ, स्पेलिंग इज LEISURE। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो फुर्सत या आराम नाम का शब्द जो है उसे नहीं जानते हैं। नेक्स्ट इज आवर पेरेंट्स नीड सो लिटिल फ्रॉम अस, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत थोड़ा सा चाहते हैं। नेक्स्ट इज बट दैट लिटिल दे नीड सो मच, इसमें आएगा लिटिल। नेक्स्ट इज वी शुड ओबे देम, ओबे मीन्स आज्ञा। नेक्स्ट इज थैंक हिम फॉर देयर सूदिंग टच, ठीक है, हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए उनके प्यार भरे स्पर्श के लिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर ग्रामर टाइम स्टार्ट हो रहा है, नाउ स्टार्ट्स आर ग्रामर टाइम। सो यूज़ दीज वर्ड्स इन आर सेंटेंस, है ना, यूज़ दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज़ गिव अप, गिव अप मीन्स छोड़ना या त्यागना, आई विल या हार मानना। सो आई विल नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव अवे, सो गिव अवे मीन्स दूर रहना, गिव अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। लेज़र LEISURE, लेज़र, लेज़र मीन्स आराम या फुर्सत। सेंटेंसेस आवर पेरेंट्स डू नॉट नो द वर्ड लेज़र। नेक्स्ट इज लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा सा। सेंटेंसेस गिव मी लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क, हमें थोड़ा सा दूध चाहिए या दे दो। राइट द एंटोनीम्स ऑफ गिवन वर्ड्स, एंटोनीम्स मीन्स होता है अपोजिट,
ठीक है, या हिंदी में विलोम शब्द, उल्टे शब्द। तो यहाँ कुछ एंटोनिम वर्ड्स दिए गए हैं, सुनिए आप। फर्स्ट इज यूज़, यूज़ मीन्स उपयोग या उपयोगी, तो मिसयूज़ मीन्स अनुपयोगी। गिव, गिव मीन्स होता है लेना, और लेना का अपोजिट होगा देना, देना मीन्स टेक। नेक्स्ट इज वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स होता है भला, अच्छा, ठीक है, इसका है हार्म, नुकसान, या तो हम किसी का भला करेंगे या किसी को नुकसान पहुंचा देंगे। नेक्स्ट इज ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा, और डिसओबे मीन्स बात को ना मानना, ठीक है। नेक्स्ट इज लेज़र, लेज़र मीन्स फुर्सत या आराम, और बिजी मीन्स व्यस्त। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, थोड़ा सा, इसका हो जाएगा अपोजिट या एंटोनिम बिग। ओके, तो आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी।